दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लक्ष्मी के मरने की खबर सभी लोगों को पता लगती हुई नजर आएगी कि लक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं रही है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीका से लक्ष्मी के साथ में भीषण हादसा हुआ है, सबको यही लग रहा है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि लक्ष्मी को फिर से एक नया जन्म मानो, क्योंकि लक्ष्मी बच जाएगी और बचेगी कोई वैसे ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, ऋषि को जैसे ही पता लगेगा कि लक्ष्मी के साथ में ऐसा हुआ है, तुरंत ही ऋषि टूट कर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों, ऋषि की जान बचती है लक्ष्मी के अंदर, और ऋषि कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि लक्ष्मी उससे दूर हो या किसी तरीका से कोई दिक्कत हो। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी तो कहानी के अंदर एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, जहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ नजर आएगा ऋषि कि लक्ष्मी को हमारे यहाँ से निकालना हमारी गलती थी, लेकिन लक्ष्मी के साथ में ऐसा होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कहते हैं कि हर एक चीज़ के पीछे एक बेहद ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिलती है, बेहद बड़ी ट्विस्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों, अब जो होने जा रहा है वो आप लोगों के लिए घना ही ज़्यादा दिलचस्प देखने मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे पहले से ही कोई ना कोई ट्रस्टी जरूर लिखी हुई होती है। और इस समय जो देखने को मिल रहा है, सभी लोगों को पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। क्योंकि दोस्तों, एक तो एक रियलिटी है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के लिए कहानी का एक और भी बेहतरीन ट्विस्ट देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ नजर आएगा आप लोगों के बीच में। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से ऋषि बोलेगा कि मुझे मलिष्का के साथ में 7 फेरे नहीं लेने हैं किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में। क्योंकि दोस्तों, जो हो रहा है वो तो बेहद ही ज़्यादा बुरा होता हुआ नजर आ रहा है, शायद जिसकी